बहुत ही पायस आवाज़ शंख की, तो एक हिंदू होने की वजह से और इंडिया में रहने की वजह से ये बहुत ही मतलब मेरे कानों को बहुत सुनी सुनाई आवाज़ है। तो लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब सुना बहुत बार है, लेकिन शंख का हमारी इंडियन संस्कृति में मैथोलॉजी के तरफ से और एक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साइंटिफिक क्या, क्योंकि मैं आज की डेट में ये जान पा रही हूँ कि जो भी हमारी इंडियन कल्चर है उसके हर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस है। तो शंख को किसी भी नई चीज़ की शुरुआत में यूज़ करने के पीछे क्या साइंस है, तो वो आप अगर आज हमें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शंख शायद हर एक कल्चर, हर एक रीजन को शायद बिलोंग करता है। मैं साउंड हीलिंग कर रहा था एक बार न्यूजीलैंड में, तो माउरी ट्राइब है, वो भी शंख यूज करती है। आप साउथ अमेरिका चले जाए, ऐसे शमानिक इंस्ट्रूमेंट इसका यूज होता है। आप यूरोप चले जाए, वहाँ भी शंख का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट फ्लोरिडा में कॉम्पिटिशन होता है शंख प्ले करने का। तो हालांकि हमारी और हिंदू संस्कृति में इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हम मानते हैं कि शंख की ओरिजिनेशन ही जो है वो सागर मंथन के समय हुई थी, और लॉर्ड लक्ष्मण जी के भाई माने जाते हैं शंख एक तरह से। और काफ़ी सारी हमारी एक हिंदू स्टोरीज हैं माइथोलॉजी में जो इसके आसपास हैं। हम ये भी कहते हैं कि शंख में बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं। लॉर्ड विष्णु को बजाते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए, वरुण देवता का वास है इसमें, ब्रह्मा जी का वास है, माँ सरस्वती, माँ गंगा। तो शंख को बहुत एक इसलिए पायस माना गया है कि ना सिर्फ ये एक नेगेटिविटी दूर करता है, इसमें देवी देवता का वास भी है। तो इसलिए शायद हम मानते हैं कि हर मंदिर में और हर घर में एक शंख शायद ज़रूरी है, और अगर आप इसको रोज़ बजाएं तो चाहे घर की वास्तु ना भी ठीक हो, घर की एनर्जी शायद ना भी ठीक हो, उसको भी आप रोज एक तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो हम मान के चलते हैं कि एक माइथोलॉजी के साथ, हालांकि कहानियां बहुत हैं कि जब विष्णु अवतार कृष्ण बने तो महाभारत में भी उन्होंने शंख का इस्तेमाल हाँ किया। हाँ वो मुझे बहुत ज्यादा, महाभारत जो हम जी छोटे जी थे जी सीरियल देखते थे तो उसमें सबसे पहले इसी के मेरे ख्याल शंख से इसी से शुरुआत पंचरत्न उनका होती शायद नाम था उनके शंख का, थी। और ऐसा भी माना जाता है कि एक डीमन थे, राक्षस थे, शंखचूड़ के नाम से, जिनको कि शिव जी थे जिन्होंने इनका जिनका यू नो जिनके साथ एक तरह से कहते युद्ध किया था और उनका हरण किया था। तो बहुत सारी माइथोलॉजी की स्टोरीज हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब मैं शंख बजा रहा था तब आपको कैसा लगा? मतलब मेरे अंदर जो उस टाइम मतलब आपने एकदम से स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया कि हमें वीडियो शुरुआत करनी चाहिए शंख से, जी मतलब मैं एकदम से वो जो मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि मैंने मैंने क्या आपसे पूछना है और क्या है, वो सब मैं बिल्कुल एकदम से वो क्रैश कर गया। और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आई और उस टाइम भी मैं मतलब जैसे बोलते हैं कि एक शून्य की स्टेज जो होती है उसको मैंने महसूस किया। जैसे कि आप शून्य में चली गई, मैं उसको बजाते हुए शून्य में चला जाता, इसीलिए शंख खड़े होकर, शंख को ऐसे ऊपर करके जब आप बंद करते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप बंद करते हैं, बंद करते ही जब आप शंखनाद करते हैं तो पूरी जो एक वाइब्रेशन है इसकी एक आपके अंदर चली जाती है। और ऐसे इफेक्ट जब आप योगा में भ्रमरी करते हैं तो भी आता है, जब आप अपनी नाद योगा प्रैक्टिस करते हैं तब भी आता है, लेकिन और ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये बहुत स्ट्रांग है, पूरी आपको तुरंत एक कहीं और ही ले जाती है। जैसे आपने कहा ना, शून्य, एक एम्प्टीनेस जहाँ पर सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जैसे आपने कहा साइंटिफिकली क्या फ़ायदा है, तो जो जो लोग को एस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन जिनको लंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर वो शंख रोज बजाते हैं तो इससे, आपने देखा होगा लोग को लंग कैपेसिटी बनाने के लिए लोग बलून बलून फुलाते बलून हैं, हाँ तो वैसे ही अगर आप शंख बजाएं तो ना सिर्फ आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप नेगेटिविटी भी एक तरह से क्लींजिंग करेंगे, तो इसके दोनों ही तरह से फायदे हैं। साइंटिफिकली हम ये भी मानते हैं कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जर्म्स हैं, ये भी इससे क्लीन होते हैं।
तो इस पे साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं। और अगर आप शंख को उठाकर ऐसे सुने तो आपको पूरा ऐसा लगेगा जैसे समुद्र की आवाज, एक एक इसको मैं बोलूँगा एक कॉस्मिक सी, एक कॉस्मिक ओशन की जो आवाज़ है, आप चाहें तो प्लीज आपको देख कर देखें तो आपको फील होगा। It's an ongoing sound, बिल्कुल। इसको हम एक तरह से ये भी कहते हैं, इसे sound of no sound, कुछ बजा नहीं रहा, फिर भी इसमें से एक sound आ रहा है, जिसको कई बार हम अनाहत sound भी बोलते हैं। अनाहत। तो जब हम उसको blow कर रहे हैं तो हम एक sound create कर रहे हैं, और जब नहीं blow कर रहे हैं तो भी इसमें एक sound है। तो एक ये एक एक ऐसी instrument है, शायद इसीलिए जब मैं साउंड हीलिंग के लिए जाता हूँ और मैं व्हेन आई ट्रैवल टू सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, तो आई हैव फाउंड वन थिंग कि मेरी एक इंस्ट्रूमेंट हर एक शमानिक एक्टिविटी में कॉमन है, वो है शंख। अभी ये जैसे शंख है ये बुद्धिज्म में भी यूज़ होता है। ये भी देखिए, इसमें जो कार्विंग है ये बुद्धिस्ट कार्विंग है। इसमें ऐसे मेरे पास लॉर्ड गणेशा की भी ये कार्विंग है जिसको हम और इस शंख की खास बात है कि ये जो इंडियन ओशन जो शंख आया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसमें एक स्टोन की तरह कार्विंग कर सकते हैं। देखिए इसमें कार्विंग नहीं हुई है लेकिन इसमें कार्विंग है। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत में हर एक सोल्जर के पास एक शंख था। अगर आप ऐसे इसको इस्तेमाल करें तो वैसे भी ये काफ़ी एक एक, एक, एक समझ लीजिए आपका एक अस्त्र है, हथियार है आपका। और ये भी एक हथियार है एक आपका, जो आपको एक अपनी तरफ अंदर ले जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि ये टूल भी है, हथियार भी है, सब कुछ है। तो इसको कोई टाइम है जिसको जिस टाइम पे बजाना चाहिए, और तीन बार जैसे आपने बजाया तो? वैसे तो आप देखें कि नॉर्मली इट इज प्लेड इन द मॉर्निंग एंड आखिरी बार उसको सूर्यास्त पे बजाया जाता है। इसके बाद हाँ, इसके बाद नॉर्मली इसको सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं बजाते। एक्सेप्शंस हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन इसको कई बार नहीं बजाया जाता, बिकॉज ऑफ द स्टोरी ऑफ शंखचूड़ एंड शिवजी, वो किसी और दिन उसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं। सो एक बात क्लियर है कि शंख बजाने से एनर्जी क्लीन होती है। और हम कभी भी किसी के घर पर कभी बुलाए जाते हैं, नॉर्मली मैं किसी बहुत कम लोगों के जाता हूँ, लेकिन अगर कोई घर की क्लींजिंग कराना चाहता है तो हम गोंग और शंख से ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट शायद हमारे पास नहीं है। तो इसको हम हर कॉर्नर में जाके ब्लो करते हैं, और तो इससे एक नेगेटिविटी जाती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है उधर, तो वो भी डिसिपेट होती है। और मेरे ख्याल से इसलिए हर घर में एक शंख होना ज़रूरी है, पूजा के लिए तो है ही, और एक हर घर की एनर्जी क्लीन करने के लिए आई थिंक इज नो इंस्ट्रूमेंट बेटर देन दिस। और अगर एक बार आपको समझ में आ गया इसको कैसे बजाना है तो शायद ये आसान है बजाना। लोग डरते हैं कि कैसे बजेगा, और कई लोग काफी घबरा जाते हैं। तो आप सिखा सकते हैं अगर हम लोगों को इनवाइट करना चाहें? जरूर जरूर जरूर, मैं तो कहता हूँ अपना शंख लेके आइए, अगर आपके पास अपना शंख है तो जरूर लाइए। एंड एक जरूरी होगा कि आपने शंख के डिफरेंट साइजेस देखे होंगे, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और हम मान के चलते हैं कि जो हीलिंग एनर्जी है वहाँ किसी एनिमल की, किसी जानवर की एक मतलब जबरदस्ती उसको शिकार ना किया जाए, जानवर ली जाए, तो ये जो शंख है, और देखिए दी आर एडल्ट साइज, ये शंख अपनी पूरी एक अडल्टहुड कर चुका है। शंख बेसिकली एक्सोस्केलेटन है स्नेल का, तो एज जब स्नेल की एज बढ़ती है उसका शंख का साइज भी बढ़ता है। तो जितना बड़ा शंख होगा यानी कि वो उतना शायद ओल्ड रहा होगा। नॉर्मली ये एक फुल जिसको कहते हैं कि एज का है, मेरे पास इससे बड़े शंख भी हैं लेकिन नॉर्मली इसको हम फुल अडल्ट मानते हैं। तो मानते हैं कि ऐसा शंख जो आपके पास है इसमें इस स्नेल ने अपनी पूरी अडल्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमारी माता जी का कभी डेथ होती है जब 70-90 साल में, हम कहते हैं हाँ जी सेलिब्रेशन का टाइम है, वैसे हम कहते हैं अब ये सेलिब्रेशन का टाइम है क्योंकि उसने पूरी अपनी जिंदगी अच्छी काटी है, और अब इसका जो एक बॉडी का एक पार्ट है वो आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है।
तो स्नेल जो है मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी, ये अपनी माउथ से निकालता है इतना हार्ड पत्थर की नहीं, उसके एक्सोस्केलेटन स्केलेटन की बाहर का है। अच्छा ये स्केलेटन है उसका। हाँ, तो स्केल हमेशा इसके अंदर रहता है, जब आप देखो वो ऐसे बैठा रहता है, इससे स्नेल जो है इज एबल टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ। सो नॉर्मली व्हेन दे वॉक दे जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड दे वॉक लाइक दिस। आपने देखा होगा ये आपने स्पाइक्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स होती हैं। अच्छा, ये जब हम लेते हैं इसको काटा जाता है तो बेसिकली उसका स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। और ये एक्चुअली आपने देखा होगा यहाँ नोक होती है। हाँ, ये खुला नहीं होता, ये हम काटते हैं। अच्छा, जब तो बेसिकली जब हम हीलिंग में एंड पूजा में जो शंख यूज करते हैं, क्या है कि आजकल काफी शंख फिशिंग नेट में आ जाता है, तो लोग उसको भी बेच देते हैं। बेसिकली आप आग जला के थोड़ा सा इसमें धुआं करें तो एनिमल बाहर आ जाता है। अच्छा। या कई लोग निकाल के फेंक देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। ऐसे शंख मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं लूंगा। हमारे हिसाब से जब हमारे पास जो शंख आते हैं इसमें डाइवर्स जाते हैं। नॉर्मली शंख आर फाउंड इन शैलो वाटर्स, शैलो वार्म वाटर्स, तो इंडियन ओशन हो गया आपका। यहाँ पर इसीलिए क्योंकि गर्म पानी है, तो लोग डाइविंग या स्नॉकलिंग में जाके हर एक शंख को चेक करते हैं, जिसमें एनिमल की डेथ नेचुरली हो चुकी होती है। नॉर्मली वहाँ पर एक क्रैब नॉर्मली बैठ जाता है, तो वो हर एक शंख को चेक करते हैं, और जहाँ उनको एक क्रैब नजर आता है उनको लगता है कि ये अब शंख हम उठा सकते हैं, क्योंकि शंख का ये क्रैब का ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है। वो शंख हमारे प्रेयर और हीलिंग के लिए लाए जाते हैं, तो वी मेक श्योर कि वी ओनली गेट दो शंख विच इज कम फ्रॉम दैट ओरिजिन। हालांकि यूज तब कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए जब अक्सर मैं कहीं ऊपर घर जाता हूँ लोगों पर छोटे शंख होते हैं, और मैं उसे ये कहता हूँ कि अगर आपका शंख इस साइज का हो तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इफ यू बाइंग इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज सी दैट द शंख इज कम फ्रॉम द राइट ओरिजिन। टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका रियली ओरिजिन नहीं मालूम, मुझे कहा गया है कि श्रीलंकन कोस्ट से भी आता है, इसके बारे में मुझे नहीं ज़्यादा मालूम। लेकिन ये जो शंख है इसको हम बोलते हैं क्वीन कॉन्च, ये करेबियन से आता है। नॉर्मली ये शंख यहाँ पर खत्म हो जाता है। अच्छा, बट ये इसका जो इतना बड़ा लिप है इसको ले क्वीन कॉन्च। अच्छा, अब आपने इसकी आवाज सुनी, अब मैं इसकी आवाज सुनाता हूँ आपको एक मिनट। शंख देखिए इसमें क्रैक्स भी हैं, ये शंख क्रैक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत पतले हैं और ये टूट भी सकते हैं, इसीलिए इनकी जो किसी पतली लेयर है तो जब ये प्ले करते हैं तो पूरा शंख वाइब्रेट होता है, तो इसलिए इसकी आवाज थोड़ी सी और ज्यादा डीपर है। ये शंख थोड़े से अगर आप देखें हार्ड है, इनकी आवाज थोड़ी सी स्मूथ है, तो इनकी आवाज थोड़ी सी शार्प है। तो नॉर्मली अगर मैं ऐसा शंख ले रहा हूं तो कोशिश करूंगा जितना बड़ा उसकी आवाज उतनी डीप होगी। इसमें छोटा शंख भी होगा थोड़ा सा, जिसको हम क्वीन कॉन्च नहीं है, उसकी आवाज भी वार्म होगी, और इसकी आवाज काफी तीखी है। अगर मैं अगर आपके लिए सॉरी अगर एक बार दोबारा हम खड़े हो जाए तो इसीलिए एक तो ना सिर्फ हर एक शंख अलग उसकी आवाज है, हर एक शंख साइज और उसकी बनावट, हर एक शंख के अंदर आपने देखा होगा चार स्पाइरल है, 1 2 3 4 हर एक शंख में। इसमें भी देखें हमेशा चार होंगे, इसमें भी देखो चार होंगे, और ये गोल्डन रेशियो जिसको हम पाई भी बोलते हैं दुनिया में फॉलो करते हैं, तो सारे गोल्डन रेशियो फॉलो करते हैं। तो हम चाहें हम कहें कि नहीं ये तो यार सब सभी के सभी गोल्डन रेशियो फॉलो करते हैं, और जब हम इसमें आवाज ब्लो करते हैं तो बेसिकली वो इसमें से एक तरह से रेजोनेट होके इस फाइनली साउंड चैम्बर से निकलती है। सो इसको हम हीलिंग में यूज करते हैं, मेडिटेशन में यूज करते हैं, जब यूज करते हैं। तो मैं यही चीज़ समझ पा रही हूँ कि आजकल जैसे सब लोग स्पेशली आफ्टर कोरोना जो स्ट्रेस लेवल और सब कुछ जो पड़ गया लोगों में, तो लोग आजकल मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं।
तो आई थिंक जो अगर हम बैठ के विपासना या ब्रेथ के ऊपर जो हम फोकस करके मेडिटेशन करते हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है. आई थिंक इससे हम इंस्टेंटली, मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, इंस्टेंटली हम एक मेडिटेटिव स्पेस में जा सकते हैं. ना सिर्फ आप जा सकते हैं, जिस आसपास जो लोग बैठे वो सब. मेरा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है गॉन्ग का जहाँ मैं शंख से शुरुआत नहीं करता. इसके दो फायदे हैं, एक तो लोगों का फोकस आ जाता है, दूसरा एक शंख की आवाज सुन के ही वो किसी दुनिया दूसरी दुनिया में ही चला जाता है. अगर मैं दिखाऊं कि जैसे मेरे पास एक गॉन्ग है, मुझे नहीं मालूम ये प्ले करेगा नहीं करेगा, पर अच्छा सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा शंख, आप अगर आप उसको प्ले पकड़ लें पर इसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस गॉन्ग को प्ले करने की जरूरत ही नहीं, साउंड ने इसको प्ले कर दिया. एग्जैक्टली वैसे ही आपकी बॉडी में जब आप प्ले करते हैं किसी दूसरे के लिए तो हम अक्सर कई बार जब हीलिंग करते हैं तो शंख को एक्चुअली आपके हृदय स्थान यानी कि हार्ट स्पेस पे, ये मैं नोटिस कर रही हूं कि सबसे ज्यादा यहां हिट कर, तो नॉर्मली खड़े होकर बिल्कुल उन पे हाथ पे जाके ब्लो करते हैं और कई बार दो शंख आगे और पीछे करें तो हम बोलते हैं कि हीलिंग इतनी जल्दी होती है कि सो मेरे हिसाब से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हर एक घर में एक होना चाहिए, होना ही चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, आपके लंग कैपेसिटी, आपके इसे कहते हैं क्लीनिंग ऑफ योर हार्ट एंड माइंड एंड नेगेटिव एनर्जी. एंड चूंकि इसमें देवों का वास है, देवता का वास है, तो ये आपके पूजा रूम में कैसे हो तो बहुत अच्छा है. और इसमें कई तरह के शंख होते हैं, जैसे एक तो मैंने बताया कि अभी ये कैरिबियन कंच हो गया, ये आपका इंडियन ओशन से कंच हो गया, ये भी हो गया. हमारे पास इतने बड़े कंच आते हैं ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स कंच. अच्छा. मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक अच्छा नेचुरल जैसे बोलते हैं नेचुरल कंच नहीं मिल रहा है मुझे. यूरोप में ट्राइडेंट के नाम से कंच आता है, वो है. कुछ और भी कॉन्चेस हैं, अगर मेरे पास कभी समय होगा घर पे मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ तरह डिफरेंट तरह के कॉन्च हैं. और कॉन्च भी दो तरह के, एक होते हैं कि वामावर्ती कॉन्च जो कि अक्सर जो होते हैं जिसको हम यूजनली ब्लो के लिए करते हैं. अच्छा. फिर दक्षिणामूर्ति कॉन्च बोलते हैं जो कि जिसका दूसरी तरफ खुलता है. आप देखिए सारे के सारे जो कॉन्च हैं ये इसी तरफ खुले हुए हैं, जबकि वो दूसरी तरफ से खुला है. ऐसे कॉन्च बहुत ही हम ऑस्पिशियस मानते हैं और वो वाले और मतलब ऐसा नहीं कह रहा ऑस्पिशियस नहीं है, पर उनकी डायरेक्शन ही अपने में होने में बहुत ऑस्पिशियस है. और वो अगर आपके पास कभी एक हो तो घर के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है. ये भी अच्छे हैं, लेकिन मतलब अगर एक वो मिल जाए, जो कि मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ दो ही देखे, लकीली एक मेरे पास घर पे है और वो तिब्बतन कॉन्च है. तिब्बतन कॉन्च में अक्सर काफ़ी इसको काफ़ी सजाया जाता है, यहाँ पर मेटल सिल्वर से बनाया जाता है, यहाँ पर एक सिल्वर माउथपीस बनाया जाता है, स्टोन्स लगाए जाते हैं. मैं है नहीं, मैं कभी आपको दिखाऊंगा. इस सच ए ब्यूटीफुल कॉन्च कि आपको तो देख के लगेगा कि ये अपने में ही एक सुंदर सा पीस है, एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है और एक नेगेटिविटी दूर होती है. मुझे लगता है इससे सुंदर और घर के लिए क्या हो सकता. Absolutely, I fully agree, and I think Diwali is a very auspicious time to think about bringing a shankh into your house. अगर आप लाएं, हाँ बिल्कुल. अच्छा एक चीज और जो बताना चाहूँगा, जिस शंख से हम ब्लो करते हैं, जिसको बजाते हैं, उससे हम पानी डाल के देवी देवता को नहीं देते हैं. तो अगर आपने पानी रख के उसको छिड़काव करना है तो उसका शंख एक अलग होगा, क्योंकि और बेसिकली मेरे जब शंख आते हैं तो सबसे पहले उनको मैं गंगा जी में स्नान कराता हूँ, फिर उसमें दूध में उसका स्नान होता है गाय के दूध का, उसमें साफ करने के बाद अक्सर बिकॉज मैं काफ़ी सारे आश्रम में काम करता हूँ, तो खासकर परमार्थ निकेतन आश्रम है जहाँ मैं काम करता हूँ, तो उसके घाट पे अक्सर मैं सबसे जो भी नया शंख मेरे पास कभी आता है तो वहाँ पर मैं उसके साथ गंगा आरती भी पहले उसके साथ करता हूँ. ये मेरी एक आदत है. और नॉर्मली शंख को हम एक सफ़ेद कपड़े में एक रखते हैं,
टेक्निकली ये सफेद कपड़े में होने चाहिए जैसे मैं रखा, लेकिन आपके टेबल के लिए मैंने कहा मैं ऐसे दिखा दूं। और आपने ये भी सुना होगा गोमती चक्रा होता है, तो दिवाली में लोग गोमती चक्रा भी लेते हैं। बेसिकली वो छोटे छोटे शंख होते हैं, सिपियर टाइप होते हैं, तो उनकी एक एक तो है कि जो शंख बचते नहीं है, आप देखिए कई बार पूजा की थाली में शंख रखे जाते हैं छोटे से जो बजाने वाले नहीं होते, तो मान के चलिए कुछ बजाने वाले शंख हैं, कुछ एक पूजा के लिए शंख है, ये अलग है। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से हर एक के पास एक शंख अगर हो तो और बजाए तो मेरे ख्याल से आपका भी लाभ होगा, एंड आई थिंक द होल हाउस द होल नेबरहुड एवरीवन आई थिंक हु वाज अराउंड विल बी एंड जो अर्थ को इस टाइम पे हमारे एक शांति की पीस की अर्थ हमारे प्लेनेट को जो जरूरत है जी 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 जो नेचर से हम जो चीजें कर रहे हैं आई थिंक ये जो साउंड है आई राइट हील द अर्थ आल्सो। इनफैक्ट मेरा एक प्रोग्राम है साउंड हीलिंग का और उसमें काफी मेरा 2-3 क्लासेस है इस पे। इनफैक्ट आई एम जस्ट फिनिशिंग अ बुक जस्ट ऑन शंख और बिकॉज हमें देख के नहीं लगता कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या स्टोरी है इसके पीछे, क्या सिग्निफिकेंस है। जब हम सुनते हैं ना अच्छा इतना कुछ है जबकि हम इसके बारे में जानते नहीं है, तो आई थिंक इज नॉट अ मिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट फॉर योर ओन हेल्थ एज़ वेल। थैंक यू सो मच संज कि आपने मतलब इतनी अच्छे तरीके से शंख के बारे में बताया जो आजकल हम मतलब कि मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को भी नहीं पता इतनी सारी चीज़ें, तो आई एम श्योर इसको इन सब इस शंख के बारे में इतना सुनने के बाद हम सबको मतलब सोचना चाहिए कॉन्शियसली कि हमें एक शंख को जो है अपनी लाइफ में अपना कंपेनियन जो है ज़रूर बनाना चाहिए। हाँ ज़रूर बनाए, बस ये देख लें उसका ओरिजिन कहाँ से है से? और वो एक तरह से क्लीन एनवायरनमेंट से आया है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं किसी को जानते हैं तो ज़रूर। एंड ऑन बिहाफ ऑफ संज आई विल ऑफर कि अगर आप ऐसा कुछ खरीद रहे हैं आप प्लीज़ कम फॉर द कंसल्टेशन विद हिम, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू help you out taking this decision of bringing this in your life. Yeah, like shank mere paas le aaye, I'll help you how to play it, how to use it if agar aapko isme koi information chahiye. Thank you. Thanks very much.